चलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्यूबरनेटिस का इंट्रोडक्शन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्यूबरनेटिस है क्या और क्यों मार्केट में इतना ज़्यादा बूम चल रहा है क्यूबरनेटिस का। तो जिन बंदों को क्यूबरनेटिस पे लेकर कंफ्यूजन है, आज मैं वो सारी कंफ्यूजन को क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, क्यूबरनेटिस एक ओपन सोर्स कंटेनर वर्कस्टेशन सिस्टम है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। क्यूबरनेटिस इज द ओपन सोर्स कंटेनर क्लियर। तो क्यूबरनेटिस यहां पर क्या है, क्यूबरनेटिस इज द ओपन सोर्स वर्कस्टेशन, ओपन सोर्स कंटेनर वर्कस्टेशन सिस्टम या टूल बोल लें तो भी चलेगा। तो ये जो मैंने लाइन लिखा है, इस लाइन को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको वर्कस्टेशन का मीनिंग समझना होगा। ये वर्कस्टेशन होता क्या है? तो दोस्तों, अगर मैं वर्कस्टेशन की हिंदी मीनिंग निकालूं तो वर्कस्टेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को मैनेज करना गुप्त तरीके से, किसी भी चीज को हिडन तरीके से मैनेज करने को हम कहते हैं वर्कस्टेशन। हम मैनेज कर रहे हैं इसे। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको थोड़ा लाइक। आप सबको पता है कि आपके हिंदुस्तान में कितनी पॉपुलेशन है, 125 करोड़ लोग हैं। तो आपके हिंदुस्तान में 125 करोड़ जो इंसान है, उन्हें कैसे मैनेज किया जा रहा है? उन्हें मैनेज किया जा रहा है पॉलिटिशियन के थ्रू। पॉलिटिशियन ने रूल बनाए, पॉलिसीज बनाए कि ये सारे 125 करोड़ लोग मैनेज हो सके। तो यहां पर वर्कस्टेशन का मैनेज काम कौन कर रहे हैं? पॉलिटिशियन। अगर इंसानों के फेवर में देखा जाए तो, इंसानों के उस पे से देखा जाए तो, इसी तरीके से क्या होता है कि अगर आपकी कंपनी की एप्लीकेशन जो है वो कंटेनर पे चल रही है और बहुत सारे आपके पास कंटेनर हैं, तो बहुत सारे कंटेनर को मैनेजमेंट करने के लिए आपको एक वर्कस्टेशन सिस्टम चाहिए। तो यहां पर वर्कस्टेशन सिस्टम जो है वो कुबरेटिस आपको दे रहा है। अभी आप इतना समझिए, और चीजें अभी मैं डायग्राम जब क्रिएट करूंगा तो क्लियर कर दूंगा। तो चलिए थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्मेट में आता हूं, तो और बेटर तरीके से आपको कुबरेटिस समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में कुबरेटिस है क्या। ठीक है, चलो तो मैं स्टार्ट करता हूं ऑन प्रीमिसेस की तरफ से। एक एग्जांपल मैंने पॉलिटिशियन का आपको दे ही दिया, अगला एग्जांपल देता हूं। याद करिए, हमारी ऑन प्रीमिसेस में जब हमारे पास क्लाउड नहीं था, जब हमारे पास कंटेनर जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम लोग ऑन प्रेमिसेस में क्या किया करते थे? मान लीजिए ये एक कंपनी है और ये कंपनी एक नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन चला रही है। तो किस तरीके से ये लोग चलाते थे? एक हार्डवेयर ये लोग मार्केट से खरीदते थे, उस हार्डवेयर की एक कॉन्फ़िगरेशन होती थी। जैसे मान लीजिए 32 GB रैम हो गया, 500 GB हार्ड डिस्क हो गई यहां पे, और 8 कोर का CPU हो जाता था, ठीक है ना। तो क्या करती थी कंपनी, इस सर्वर के ऊपर OS डालना है और OS के ऊपर अपनी नेटफ्लिक्स जैसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते थे। इस सर्वर की एक IP होती थी, फॉर एग्जांपल ये IP हो गई, ठीक है। और जब कॉन्फ़िगरेशन डन हो जाता था तो इस IP को DNS के साथ बाइंड कर देते थे। मान लीजिए मैंने DNS यहां पे परचेज कर रखा है cloudknowledge.com, तो बाइंड कर दिया यहां पर जैसे www.cloudknowledges.com, और उसके अगेंस्ट ए रिकॉर्ड हमने ऐड कर दिया 10.125.170.14। परफेक्ट, अब ये लाइव हो गया, अब ये वर्क कर रहा है। लेकिन अगर इस पे चलने वाली एप्लीकेशन पे नंबर ऑफ हिटिंग आती है, नंबर ऑफ यूजर इससे कनेक्टेड होते हैं, तो क्या ये सर्वर परफॉर्मेंस उतना अच्छा दे पाएगा? तो सवाल आता है, नहीं, ये सर्वर बॉटलनेक हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। तो आपकी ऑन प्रेमिसेस पे फिर क्या सोल्यूशन निकाला करते थे हम लोग? तो इसका सलूशन ये होता था कि जो भी नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन इस सर्वर पे चल रही है, इसको नंबर ऑफ सर्वर पे चलाइए। तो जब नंबर ऑफ सर्वर पे चलाने की बात आती थी, तो फिर आप मार्केट से हजारों सर्वर खरीदते थे और हजारों सर्वर पे आप क्या करते थे, अपनी नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन आपने कॉन्फिगर कर दिया। अब उन हजारों सर्वर को मैनेज करना है, भाई हजारों सर्वर को भी तो मैनेज करना है ना। उन हजारों सर्वर पे क्या IP देनी है, उन हजारों सर्वर पे स्टोरेज पॉइंट क्या होगा, उन हजारों सर्वर का सिंगल एंड पॉइंट रखना है तो लोड बैलेंसर लगाना होगा,
उन हजारों सर्वर के लिए फायरवॉल चाहिए। तो अब यहां पर उन हजारों सर्वर को मैनेज करने के लिए आप ये रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, फायरवॉल, लोड बैलेंसर, स्टोरेज। तो ये जो रिसोर्सेस है ये उन हजारों सर्वर को मैनेज कर रहा है, तो ऑन प्रीमिसेस में ये वर्क स्टेशन का काम कर रहा है। समझ में आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूं आपको, क्लियर? इसी तरीके से आप थोड़ा सा एक कदम और आगे आ जाए। अगला एग्जांपल मान लीजिए कि आप अपनी नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन को चलाने के लिए ऑन प्रीमिसेस पे सर्वर नहीं लगाया, आपने क्लाउड पे आ गए, ठीक है? कहां पे आ गए? क्लाउड पे। अब कोई भी क्लाउड आपने चूज कर लिया, जैसे आजकल फेमस है AWS वाले, आजकल फेमस है Azure वाले, और GCP वाले भी फेमस है। अब आपने क्या किया, किसी भी क्लाउड पे गए, एक VM क्रिएट किया और उसके ऊपर आपने अपनी नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन चला दिया। अब इसको लाइव आपने कर दिया, अब इस पे भी लोड बढ़ेगा, तो सवाल वही आएगी कि इसकी नंबर ऑफ कॉपी चाहिए। अब इसकी नंबर ऑफ कॉपी चाहिए का मतलब आपने क्लाउड पे 1000 सर्वर क्रिएट कर लिया और 1000 के 1000 सर्वर पे नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन आपने कॉन्फिगर कर दी। अब सवाल आती है यहां पर भी इन सर्वर को मैनेज करना, तो आप क्या करते हो, फिर आप VPC क्रिएट करते हो, लोड बैलेंसर लगाते हो, ऑटो स्केलिंग लगाते हो, स्टोरेज सिंगल लेते हो। तो फिर इन हजारों सर्वर को क्लाउड पे भी मैनेज करने के लिए आपने लोड बैलेंसर ले लिया, ऑटो स्केलिंग ले लिया, जिससे लोड के बढ़ने से सर्वर अपने आप प्रोविजन हो जाए, डी प्रोविजन हो जाए, VPC ले लिया। तो इन हजारों सर्वर को मैनेज करने के लिए क्लाउड में ये सारे कॉम्पोनेंट्स हैं, ये सारे सर्विसेस हैं। तो क्लाउड पे ये वर्क स्टेशन का काम कर लिया, आप काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं एज अ वर्क स्टेशन मैनेजमेंट की तरह। लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग आपके क्लाउड पे जो VM से उन्हें मैनेज कर रहे हैं। तो क्लाउड पे ये हो गया वर्क स्टेशन। लेकिन अब तीसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कोई कंपनियों कहती है कि हम अपनी नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन फिजिकल सर्वर पे नहीं चलाना चाहते, हम अपनी नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन AWS पे या Azure पे या GCP पे कोई VM बनाकर नहीं चलाना चाहते, क्योंकि VM पे चलाते तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेस यूज करता है। ये रिसोर्सेस को बेटर यूटिलाइजेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो हमने डॉकर के इंट्रोडक्शन में कवर कर दिया है, तो मैं डॉकर के बारे में अभी ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ Kubernetes के बारे में बात कर रहा हूं। तो एक कंपनी है जिसका प्लानिंग ये है कि हम लोग सारी की सारी एप्लीकेशन कंटेनर पे चलाएंगे, तो ठीक है भाई चलाइए। तो अब वो कंपनी क्या करेगी, एक कंटेनर क्रिएट करती है और एक कंटेनर को क्रिएट करके उस पे नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन कॉन्फिगर कर दिया। अब क्या इस कंटेनर पे भी तो लोड बढ़ेगा ना, अगर बाहर से हिटिंग आएगी तो कंपनी बोलती है इस कंटेनर की भी रेप्लीकेशन चाहिए। तो यहां पर कंपनी ने क्या किया, हजारों कंटेनर्स ले लिए। अब सवाल आता है कि हजारों कंटेनर को मैनेज करना है तो यहां पर भी लोड बैलेंसर चाहिए, तो कंपनी ने यहां पर एक भी लोड बैलेंसर ले लिया। अब यहां पर जो लोड बैलेंसर है ये भी एक काइंड ऑफ माइक्रो सर्विसेज है, ऐसे ऑटो स्केलिंग ले लिया यहां पर, ऐसे फॉल्ट टॉलरेंस ले लिया यहां पर कि कोई कंटेनर को कुछ हो तो ऑटोमेटिक रिक्रिएट हो जाए। तो यहां पर कंटेनर को बेटर मैनेजमेंट करना है, बेटर तरीके से कंटेनर के ऊपर ऑटो स्केलिंग लगानी है, कंटेनर पे लोड बैलेंसर लगाना है, कंटेनर पे सिक्योरिटी लगानी है, कंटेनर पे फायरवॉल लगानी है। तो ये बेटर मैनेजमेंट कंटेनर पे कैसे किया जाए, तो यहां पर भी तो कोई वर्क स्टेशन होना चाहिए ना मैनेज करने के लिए। अब यहां पर सारा कुछ कंटेनर पे चल रहा, सारा कुछ आपका माइक्रो सर्विसेज पे चल रहा, तो यहां पर AWS का लोड बैलेंसर काम नहीं आएगा, यहां पर आपको ऑटो स्केलिंग AWS का काम नहीं आने वाला, कंटेनर पे ऑन प्रीमिसेस का काम नहीं आने वाला। यहां पर इटसेल्फ कंटेनर एक माइक्रो सर्विसेज है, तो यहां पर माइक्रो सर्विसेज आपको चाहिए इन कंटेनर को बेटर मैनेजमेंट के लिए। तो इस कंटेनर को बेटर मैनेजमेंट के लिए Kubernetes आपको प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए Kubernetes को कहा जाता है, Kubernetes एक ओपन सोर्स कंटेनर वर्कस्टेशन सिस्टम है। कंटेनर को मैनेज करने के लिए आप Kubernetes का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बता दूं, इन कंटेनर को बेटर मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास डॉकर कम्युनिटीज, डॉकर स्वॉर्म भी प्रोवाइड करता है और Kubernetes भी प्रोवाइड करता है। तो अगर आप, कई बंदे बोलते हैं कि अगर हम इस कंटेनर को बेटर मैनेजमेंट करने के लिए डॉकर स्वॉर्म को यूज करें तो क्या अच्छा है, तो मैं बोलता हूं आप डॉकर स्वॉर्म से भी कंटेनर को मैनेजमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप Kubernetes से भी मैनेजमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन Kubernetes सबसे बेस्ट है अगर आप डॉकर स्वॉर्म से कंपेयर करें तो। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूं, तब आपको डॉकर स्वॉर्म और Kubernetes में भी डिफरेंशिएट क्लियर हो जाएगा। देखिए, नया डायग्राम ओपन करता हूं, मान लीजिए ये आपने क्लस्टर सेटअप किया, ठीक है ना, ऊपर वाला क्लस्टर है, यहां पर आपने चार सर्वर ले लिया, एक सर्वर, दो सर्वर, तीन सर्वर, चार, पांच, यहां पर भी आपका एक सर्वर, यहां दो सर्वर,
यहां पे 3, 4, 5, ठीक है। इन सारे सर्वर पे आपके कंटेनर चल रहे हैं, ये कंटेनर है, लो सारे सर्वर पे कंटेनर है, ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, ये भी कंटेनर है, ये भी कंटेनर, ये भी कंटेनर, ये भी कंटेनर, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपने कंटेनर को मैनेजमेंट करने के लिए आपने क्या यूज किया, डॉकर सॉम, ठीक है। और नीचे वाले सिनेरियो में आपने कंटेनर को मैनेज करने के लिए क्या यूज किया, क्यूबरनेटिस। अब देखिए होता क्या है कि जब भी आप कंटेनर को मैनेज करने के लिए वर्कस्टेशन को यूज करते हैं तो इस वर्कस्टेशन को सिस्टमैटिक करने के लिए कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं दोस्तों, कंपोनेंट्स होते हैं। और उन सारे कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो मैं साइड में लिख देता हूं वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे आपका एपीआई सर्वर, अभी मैं कंपोनेंट्स को ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, अगले वीडियो में कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करूंगा। अभी सिर्फ मोटा मोटी मैं आपको डॉकर सॉम और कुबरनेटिस में डिफरेंशिएट क्लियर करने के लिए लिख रहा हूं। तो एपीआई सर्वर हो गया एक कंपोनेंट, ठीक है, कंट्रोलर हो गया, और शेड्यूलर हो गया, ठीक है, ये हो गया, और ये हो गया डेटाबेस, ठीक है। चलो तो ये सारे, ये जो कंट्रोल मैंने कंपोनेंट्स लिखे, ये कंपोनेंट्स जो है वो मैनेज करते हैं पूरे के पूरे कंटेनर को, ठीक है ना। तो अगर आप डॉकर सॉम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा, ये सारे कंपोनेंट्स, अब डॉकर सॉम में देखिए ये क्लस्टर आपने बना रखा है, तो आपके पास मान लीजिए ये 5 सर्वर है, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, 5 सर्वर में से मान लीजिए आपने 2 सर्वर को मास्टर नोड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, ये एक मास्टर नोड हो गया, और आपने अगर इसकी क्लस्टर बनाए हैं तो मास्टर नोड का सेकंड क्लस्टर हो गया, सेकंड नोड हो गया, ये हो गया आपका वर्कर नोड 1, ये हो गया आपका वर्कर नोड 1, ये हो गया वर्कर नोड 2, वर्कर नोड 2, और ये हो गया आपका वर्कर नोड 3, ठीक है। या फिर आप समझ लीजिए आपके पास मास्टर नोड 1 ही है और ये भी वर्कर नोड ही है मान लीजिए, ठीक है ना, ये भी आपका वर्कर नोड है मान लीजिए, ये भी हो गया आपका वर्कर नोड 4। तो अब क्या होगा कि ये सारे कंपोनेंट जो हैं इस मास्टर नोड में इंस्टॉल होंगे, लेकिन ये सारे कंपोनेंट्स इस मास्टर नोड में कहाँ इंस्टॉल होंगे, तो इस मास्टर नोड पे जो भी आप ओएस डालेंगे उस ओएस के ऊपर इंस्टॉल होगा, क्लियर। अब ये 4 कंपोनेंट्स जो हैं, ये 4 कंपोनेंट्स इस मास्टर नोड में इंस्टॉल है, अब ये मास्टर नोड बन गया। अब 4 कंपोनेंट्स में से कोई भी कंपोनेंट्स अगर डैमेज होता है तो पूरा मास्टर नोड गया, पूरा का पूरा मास्टर नोड गया। तो इससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, मास्टर नोड आप एक से ज्यादा रख लेते हैं, ठीक है ना। या फिर मान लीजिए अगर आपने ये मास्टर नोड फिजिकल नहीं है, AWS पे है, तो आपने AWS पे इसकी ऑटो स्केलिंग लगा रखी है, तो अगर एक कंपोनेंट्स को कुछ होता है तो पूरा मास्टर नोड गया, तो ऑटो स्केलिंग क्या करता है, रिक्रिएट कर देता है। लेकिन रिक्रिएट में कितना टाइम लगता है, एटलीस्ट 5 से 10 मिनट तो लगता है ना VM को आने में, ठीक है। तो ये चीज डॉकर सॉम में हो रही होती है। अगर हम Kubernetes की बात करें, चलो तो Kubernetes की अगर हम बात करें, मान लीजिए ये हमारे पास मास्टर नोड है और ये हमारे पास वर्कर नोड है, ध्यान से सुनिएगा इस शब्द को, ये वर्कर नोड 1 हो गया, ये वर्कर नोड 2 हो गया, ये वर्कर नोड 3 हो गया, ये वर्कर नोड 4 हो गया। तो Kubernetes के केस में क्या होता है, देखिए Kubernetes के केस में ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स डायरेक्टली मास्टर नोड के ओएस में इंस्टॉल नहीं होते। मास्टर नोड में ओएस तो होता है, लेकिन ये सारे कंपोनेंट जो होते हैं आपके मास्टर नोड के अंदर कंटेनर पे चल रहे होते हैं, सारे कंपोनेंट्स। एक कंटेनर पे आपका एपीआई सर्वर मान लीजिए है, तो एक कंटेनर पे कंट्रोलर है, एक कंटेनर पे शेड्यूलर है, एक कंटेनर पे डेटाबेस है, इस तरीके से। और ये कंटेनर जो है इटसेल्फ एक पॉड के अंदर होते हैं। अब ये पॉड का जो टर्म्स है ये मैं अगले वीडियो में क्लियर करूंगा, बस अभी मोटा मोटी इतना समझिए कि डॉकर सॉम अगर आप यूज करते हैं तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये मास्टर नोड के ओएस पे डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप Kubernetes इस्तेमाल करते हैं तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये ओएस पे डायरेक्टली नहीं चलते, ये कंटेनर पे चल रहे होते हैं। और आप सबको पता है अगर कंटेनर पे चल रहा है
तो कोई कंटेनर को कुछ होता है तो कंटेनर तुरंत रिक्रिएट हो जाता है विद इन द सेकंड। लेकिन अगर कोई वीएम डैमेज होती है तो वीएम को रिक्रिएट होने में विद इन द सेकंड नहीं लगता, मिनट चाहिए, 5 से 10 मिनट। लेकिन अगर आप कुबरनेटिस इंप्लीमेंट करते हैं तो मान लीजिए कोई कंपोनेंट्स को कुछ होता है तो कुबरनेटिस वर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट है, वो क्या करेगा, उसकी जगह दूसरा कंटेनर विद इन द सेकंड में क्रिएट करके दे देगा। तो कितना बेनिफिट है, क्लियर? तो ये एक मेजर डिफरेंशिएटर है जो मैंने आपको डॉकर स्वामट और कुबरनेटिस में बताया। अभी और भी जो डिफरेंशिएटर है वो सारी चीजें आपको आगे क्लियर हो जाएंगी जब मैं अगले वीडियो में आपको कुबरनेटिस के सारे कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके कि ये कंपोनेंट्स क्या करता है, इसको कहाँ यूज करते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ मैं आपको एक मोटा मोटी भी चीज बताया। तो ठीक है, हम लोग अपने पुराने डायग्राम में आते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों, इसलिए इंडस्ट्री में कुबरनेटिस को यूज किया जाता है कंटेनर को बेटर मैनेजमेंट करने के लिए। इसलिए हम लोग कुबरनेटिस को कहते हैं कुबरनेटिस इज द ओपन सोर्स कंटेनर वर्कस्टेशन सिस्टम। एक चीज और बता देता हूं डॉकर स्वॉर्म के साथ। डॉकर स्वॉर्म में क्या है कि डॉकर स्वॉर्म को जो बनाने वाली कंपनी है वो क्या है, डॉकर कम्युनिटीज है, उन्होंने बनाया है। उन्होंने सारे कंट्रोलर अपने पास रखा, सारा का सारा कंट्रोल उन्होंने अपने पास रखा डॉकर स्वॉर्म का। आप उस पर कोई भी कस्टमाइज नहीं कर सकते, उन्होंने जैसा आपको दिया वैसा आप इंस्टॉल करके अपना क्लस्टर बनाइए। लेकिन अगर आप कुबरनेटिस की बात करें तो साफ साफ लिखा हुआ है कुबरनेटिस इज अ ओपन सोर्स कंटेनर वर्केस्ट्रेशन सिस्टम। आप इस पे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, फुल्ली कस्टमाइजेबल। तो ये एक मेजर डिफरेंस और है कस्टमाइजेशन ओपन सोर्स को लेकर कुबरनेटिस के साथ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कुबरनेटिस आपको डेफिनेशन थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। और अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगले वीडियो में मैं आपको देखूंगा कि कुबरनेटिस के वर्कस्टेशन कुबरनेटिस को सेटअप करने में जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स का क्या क्या यूज केस है और कौन सा कंपोनेंट्स कहाँ पे चलता है, कौन सा कंपोनेंट मास्टर नोड पे चलता है, कौन सा कंपोनेंट वर्कर नोड पे चलता है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में। और ये सारी चीज़ें इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बताइए एपीआई सर्वर का यूज केस क्या है, शेड्यूलर का यूज केस क्या है, कंट्रोलर का यूज केस क्या है, और भी अदर कंपोनेंट्स हैं, पॉड को डिस्क्राइब करिए, ये सारी चीजें मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको एक छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन दे रहा था बस। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुबरनेटिस के कंपोनेंट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।